दिग्विजय सिंह के गढ़ में शिवराज सिंधिया का डबल अटैक, एक एक कर खोली कांग्रेस की पोल। चाहता हूं लेकिन मेरी बहनों, आज का कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, अभी 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख आज 8 है, परसों 10 है। 10 तारीख को क्या होगा बहने ही बताएं। अरे 10 तारीख को क्या होगा, जोर से बताओ ना। 10 तारीख को मैंने आपको वचन दिया था कि हर महीने की 10 तारीख, 10 जून को पैसा डाला था और अब परसों 10 जुलाई को आपके खाते में लाडली बहना का पैसा आएगा। आज दिल से मेरी बहनों बताना, इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, बाद में और मुख्यमंत्री भी यहीं से रहे, बताओ कभी इतना पैसा बहनों के खाते में डाला था क्या? जोर से बताओ मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी डाला था क्या? अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे अभी तो 1000 है, लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई नहीं पैसा आएगा। रे भैया मेरी बहनों, पैसा तब भी था जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तब बहनों को पैसा क्यों नहीं मिलता था? तब बहनों के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? लेकिन आज मैं कहने आया हूं, बहनों मेरी जिंदगी का मिशन और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अपनी बहनों की जिंदगी बदल देना, गरीब बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देना। और एक जमाना था जहां बच्ची पैदा होती थी तो सुन समझा जाता था कि बोझ है। शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जब आप घर में बच्ची पैदा होती है तो केवल बच्ची नहीं लेकिन लखपति लक्ष्मी पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा इंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से एक इंच भी, नाम है उनका मैंने नहीं बोला, आपने बोला, नाम है उनका बंटाधार।